अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया। सुनीता केजरीवाल बोली, ये कानून नहीं तानाशाही और इमरजेंसी है। शराब घोटाले में केजरीवाल की मुश्किल और बढ़ी, केजरीवाल को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ली। अरविंद केजरीवाल पर हाउस रेवेन्यू कोर्ट में सीबीआई का बड़ा दावा, आबकारी नीति से केजरीवाल ने किया किनारा। केजरीवाल ने सारा दोष सिसोदिया पर डाला। सीबीआई के आरोपों का केजरीवाल ने किया खंडन। सीबीआई के आरोपों पर केजरीवाल का कोर्ट में बयान, कहा मैंने सिसोदिया का नाम नहीं लिया, निर्दोष है मनीष सिसोदिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सांसद संजय सिंह ने सीबीआई जांच को बताया मनगढ़ंत, कहा पहले सिसोदिया और अब केजरीवाल के मामले कहानी दोहरा रही है सीबीआई। केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को उद्धव गुट ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध, कहा केंद्र सरकार बास नहीं आई तो जनता 240 से 40 पर ले जाएगी। राव सेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तबियत हुई खराब, केजरीवाल का शुगर लेवल अचानक हुआ था डाउन। कांग्रेस सांसदों की बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की बधाई, सभी नेताओं ने फैसले का किया स्वागत। नेता विपक्ष बनाए जाने पर बोले राहुल गांधी, कहा विपक्ष का नेता सिर्फ एक पद नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है, जनता और इंडिया के सहयोगियों का जताया आभार। सैम पित्रोदा को फिर बनाया गया इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष, लोकसभा चुनाव के दौरान सैम के बयानों से बढ़ी थी कांग्रेस की मुश्किल। लोकसभा में इमरजेंसी की निंदा पर विपक्ष का हंगामा, स्पीकर ने आपातकाल की निंदा करते हुए 2 मिनट का रखा मौन, विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। संसद के बाहर आपातकाल की 50वीं सालगिरह, एनडीए सांसदों का प्रदर्शन, बैनर पोस्टर के साथ जमकर नारेबाजी की। ओम बिरला फिर चुने गए लोकसभा स्पीकर, ध्वनिमत से हुआ फैसला, ओम बिरला ने रचा इतिहास। स्पीकर चुने जाने पर पक्ष विपक्ष ने ओम बिरला को दी बधाई, ओम बिरला को प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आसन तक लेकर गए। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विपक्ष को बताया जनता की आवाज, स्पीकर से कहा उम्मीद है आप विपक्ष की आवाज को दबने नहीं देंगे। सदन में सांसद अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा आपके इशारे पर चलता है सदन, इसका उल्टा ना हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष में ना हो भेदभाव। स्पीकर से बोली अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल, कहा उम्मीद है कि आप छोटी पार्टियों को भी मौका देंगे जैसे बड़ी पार्टियों को मौका देते हैं। पीएम मोदी ने संसद में मंत्रिमंडल का कराया परिचय, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के परिचय के दौरान विपक्ष ने लगाए नारे। नीट मामले में सीबीआई का एक्शन तेज, हजारीबाग में वैसे स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ, दस्तावेजों के साथ प्रिंसिपल को अपने साथ लेकर निकली सीबीआई। नीट धांधली की पड़ताल में जुटी सीबीआई, प्रिंसिपल एहसानुल हक को लेकर हजारीबाग के गेस्ट हाउस गई सीबीआई, एसबीआई बैंक के अधिकारियों से भी पूछताछ, खंगाले गए सीसीटीवी। नीट पेपर लीक में बिहार टू महाराष्ट्र, सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन, महाराष्ट्र सरकार ने लातूर में दर्ज नीट मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया, पटना में आरोपी चिंटू और मुकेश की 2 दिन की कस्टडी मिली। जम्मू में जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, नीट पेपर धांधली मामले को लेकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। लातूर नीट पेपर लीक मामले में फरार आरोपी के घर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम, शनिवार से आरोपी परिवार के संग गायब है। दिल्ली में आयसा छात्र संगठन का नीट के विरोध में प्रदर्शन, सरकार से दोबारा एनईटी पेपर कराने की मांग की। केरल के कोची में कांग्रेस का प्रदर्शन, नीट पेपर मामले में हुई धांधली के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का केंद्र पर हमला, कहा डबल इंजन सरकार में सरकारी भर्तियां व्यवसाय बन चुकी हैं, तत्काल एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप जोशी को इस्तीफा देना चाहिए। एबीपी न्यूज के प्रीमियम कंटेंट को देखने के लिए हमारे पेज एबीपी प्रीमियम को यूट्यूब और वेबसाइट करें सब्सक्राइब, देश दुनिया से जुड़ी खबरों पर मिलेगा सबसे विश्वसनीय विश्लेषण एबीपी न्यूज के प्रीमियम पर। बगावत के बीच चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल की वर्किंग कमेटी की बैठक, एक गुट ने सुखबीर बादल से की इस्तीफे की मांग, बैठक में सभी बड़े नेता मौजूद रहे। पंजाब में हार से शुरू हुई दार, अकाली नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा ने चुनावी हार के लिए सुखबीर बादल को ठहराया जिम्मेदार, कहा पार्टी में अहम लोगों को नजरअंदाज किया गया। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस की बुलाई गई बैठक, आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग की, कहा ओवैसी ने गलत शपथ ली, उन पर होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई। असदुद्दीन ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारा लगाने पर विधायक नितेश राणे का विवादित बयान, कहा ओवैसी की जुबान काटकर लाने वाले को दूंगा इनाम।
बिहार में पीएचईडी के 826 करोड़ का टेंडर रद्द, महागठबंधन सरकार के 350 ठेके में थी गड़बड़ी। मंत्री नीरज सिंह बबलू बोले, जल्द नए टेंडर निकाले जाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पीएचईडी टेंडर मामले पर कहते हुए नजर आए, हर विभाग में जांच हो रही है, लालू और उनके परिवार ने बिहार को लूटा है। पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, इस दौरान उनकी पोतियों ने प्रधानमंत्री मोदी को कविता सुनाई। आतिशी से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव, साथ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। अनशन के दौरान बिगड़ी थी आतिशी की तबीयत। दिल्ली में सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी से मुलाकात की, एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं आतिशी। तमिलनाडु के कल्ला कुरिची शराब मौत मामले में कुल्ला कुरिची पहुंचा एनसीडब्ल्यू, शराब मौत मामले में पीड़ित परिवारों से भी बात की। नागालैंड में 20 साल बाद निकाय चुनाव, 25 नगर निकायों के लिए चुनाव, निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण। महाराष्ट्र विधान परिषद की 4 सीटों पर मतदान, 4.29 लाख मतदाता, 55 प्रत्याशियों की किस्मत का करेंगे फैसला। जम्मू के डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर, कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर। अमरनाथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू, 28 जून को पहलगाम के लिए रवाना होगा पहला जत्था, अधिकारियों ने यात्रा बेस कैंप की तैयारियों का निरीक्षण किया। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर एक सुरक्षा मॉक ड्रिल की, यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।